नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। 2500 रुपए के लिए ओला कार चालक की हत्या, चारों हत्यारे गिरफ्तार। पहले की ओला कार बुक, फिर सुनसान इलाके में पहुंचते ही चार हत्यारों ने कर दी ओला कार चालक की हत्या। इन हत्यारों को अब ठाणे शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ठाणे शहर पुलिस की गिरफ्त में आए यह वह चार हत्यारे हैं जिनका नाम है हासिरुल शेख, आतिश भोसले, ओमकार कासेकर और प्रशांत स्वामी। इन लोगों ने पहले बदलापुर से दीवा आने के लिए ओला कार बुक की और फिर ओला कार चालक मोहम्मद अली अंसारी के कार से यह दीवा के लिए रवाना हुए और जब दीवा के सुनसान इलाके में पहुंचे तब इन्होंने कार चालक मोहम्मद अली अंसारी की गला घोटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं ठाणे पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है ठाणे की यह एक रिपोर्ट। सर, क्या मामला है, हत्या की घटना घटी है? 29/5/2022 सवेरे 9:30 बजे एक शेतकरी है जो बालकृष्ण पाटिल बोल के वो पुलिस स्टेशन में आया। उन्होंने मालूमात दी है कि जो खरडी की तरफ रोड जाता है और कुहार रोड पे कच्चा रास्ता है, कच्चा रोड है और उसके बाजू में जो है एक ओवर ब्रिज है, उसके नीचे एक बॉडी है और बॉडी को उसको पत्थर से और फ्लोर ब्लॉक से उसको मार के उसका ब्लीडिंग है और मर्डर हुआ, ऐसी मालूमात उसने पुलिस स्टेशन में दिया। उसके ऊपर से गुना रजिस्टर नंबर जो 160/22/302/396 ऐसा FIR दर्ज हो गया। हमारे वहाँ के बाइगर के सीनियर PI गावड़े साहब ने वहाँ पर उनके साथ उनके PI जो है मुजावर यादव मोहिते और API कापड़नीस हार्डेकर काले और चिटनीस, ऐसा तीन टीम बनाया। इन लोगों ने ऐसा सीरियस मर्डर है जिसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं है और किस वजह से किया है वो कुछ मालूमत नहीं था, इसके टीम बनाए। उसने सबने CCTV फुटेज देखा, उसके साथ में ओला गाड़ी थी, ओला गाड़ी जो बुक किया था उसके ऊपर से मोबाइल का कुछ मालूमत लिया। उसकी ओला गाड़ी वहाँ पर थी, उसका नंबर था MA03CV7195। ये सब टोटली स्टडी करने के बाद ऐसा मालूमत हुआ कि इसमें 5 लोगों ने ये वारदात की है, उसमें से 4 लोग जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो है हसरुल्ला हलीम शेख, दूसरा है आतिश विनायक भोसले और तीसरा है ओंकार प्रदीप कासकर और चौथा है जो प्रशांत देवराज पेरिया। ये चारों और एक बच्चा जो है वो नाबालिग है, 18 साल से उम्र कम है उसकी। ऐसा 5 लोगों को ताबे में लिया, चारों को अरेस्ट किया है। ये चारों को अरेस्ट करने के बाद 30 तारीख को उनको अरेस्ट किया था, आज कोर्ट में उनको दाखिल किया, 3 तारीख को उनकी पुलिस कस्टडी मिली है। अभी इन्होंने और कुछ ऐसे गुने किए हैं क्या, उसके बारे में मालूमात लेने चालू है और इनके ऊपर कोई ऑफेंस है क्या, ऐसे टाइप्स के गुनहगार है क्या, हार्ड क्रिमिनल है क्या, इसकी मालूमात ली जाएगी और जो भी उनके ऊपर कार्रवाई है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।